रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन की बेस पे एटम का स्ट्रक्चर बताया, प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट किया, लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ गलतियां हैं। जैसा कि अगर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन कोई भी चार्ज पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज़ करता रहता है, एमिट करता रहता है। जैसा कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट करनी चाहिए, रिलीज करनी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज और एमिट करेगा तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी एक टाइम ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगी। ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पहला डिफेक्ट। हम दूसरे डिफेक्ट की बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट और रिलीज करता है तो उसका जब हम स्पेक्ट्रोमीटर पे स्टडी करें, स्पेक्ट्रम एक पैटर्न स्टडी करें कि वो एनर्जी किस पैटर्न के साथ रिलीज़ और एमिट कर रहा है, तो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए जिसमें कोई दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम हो। लेकिन कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बजाय जब ऑब्ज़र्व किया स्पेक्ट्रोमीटर पर तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्ज़र्व किया गया। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है वैल्यूज़ के दरमियान गैप्स थे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये लाइंस वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ के दरमियान, लाइंस के दरमियान ये वाइट गैप्स हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल गलत है। कुछ पॉइंट्स इसके ठीक हैं, लेकिन ये दो डिफेक्ट्स हैं इसके कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा तो वो एटम कोलैप्स हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि एटम कोलैप्स हो जाएगा। और दूसरा डिफेक्ट ये है कि जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है इलेक्ट्रॉन का तो वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए क्योंकि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रिलीज हो रही है, लेकिन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो इस तरह से ये दो डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।